क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो हमें सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का ऑफ एन एपी इन विच डी हमारे पास दे रखे है 7 और 22th टर्म दे रखी है 149। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 22th टर्म हो गई, 22 टर्म का ही आपने सम निकालना है, तो ये हमारे पास क्या हो गई कि लास्ट टर्म हो गई। तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि एन बाई टू ए प्लस एल लास्ट टर्म का। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एल है ए नहीं है, डी की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए यहाँ पे और एन, एन तो ये रहा हमारे पास 22 टर्म्स का सम निकालना है, तो एन की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 22। अब वैल्यू बची हमारे पास ए, ए को कैसे फाइंड आउट किया जाए, ए 22 टर्म दे रखी है, डी दे रखा है, एन है, तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं या ए 22 ही लिख देता हूं सीधा, तो क्या होगा ए प्लस 21 डी, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ये हो गया 149 इज इक्वल टू ए हमें इवेल्युएट करना है प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू है 7, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू बनी 147, 147 को इधर ले आते हैं तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सभी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, एस 22 इवेल्युएट करना है, एन एन की वैल्यू है 22, तो 22 बाय 2 ए, ए निकला है हमारे पास 2, एन लास्ट टर्म है 149, तो वैल्यू हो गई हमारे पास 11 इंटू 151, 151 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा हमारे पास, सम कर लेते हैं 1661। तो हमारे पास फर्स्ट 22 टर्म्स का सम होगा ये, सम ऑफ 22 टर्म्स इज 1661।